हाय एवरीवन, फिर से एक नीम टेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, पैन केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं या तो फिर आधार केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। पीएफ केवाईसी करने का मतलब होता है अपने पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर को जोड़ना, पैन कार्ड नंबर को जोड़ना और आधार लिंक करना ही पीएफ केवाईसी कहा जाता है। और आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ केवाईसी रहना काफी ज्यादा कंपलसरी, काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। जैसे कि अगर आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करना चाहते हैं या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी आपका पैसा होता है उसी बैंक में भेजा जाता है जो बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होता है। साथ ही साथ आपका जो पैन कार्ड होता है वो भी आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होना काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं और जो भी आपका पीएफ का पैसा है अगर आपका 50,000 से ज्यादा होगा और जो भी आपका सर्विस पीरियड है वो अगर 5 साल से कम है, तो फिर यहाँ पे पैन कार्ड लिंक करना काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपका टीडीएस कट जाएगा। तो टीडीएस से बचने के लिए आपको पैन कार्ड लिंक करना काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और जो रहता है आपका आधार कार्ड, वो तो हमेशा आपके लिए कंपलसरी होता है। तो चलिए, किस प्रकार से अपना पीएफ अकाउंट केवाईसी अपडेट करें, इसे क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च फॉर्म आपको टाइप करना है, यूएल लॉगिन, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे आइए। जब नीचे आएगा तो यहाँ पर पहला ही वेबसाइट पर नजर आता होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जनरली एक अलर्ट हो जाता है, तो इस अलर्ट को यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे देखिए आपके पास नजर आता ओके, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, आपको अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा पहला कॉलम आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है, देन आपको साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे तो सबमिट पर क्लिक करते हैं फाइनली आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है। जल्दी से अलर्ट को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर नीचे देखिए आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक फिल नो एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको केवाईसी अपडेट करना है। उसके लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन आता है मैनेज का, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन आता है केवाईसी का, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा आता है ऐड केवाईसी। उसी के नीचे से जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि बैंक का, पैन का या फिर पासवर्ड का, उसका भी यहाँ पे सेक्शन बना हुआ आता होगा। जैसे अगर आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं या फिर पैन केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं या फिर पासवर्ड केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, उसका सेक्शन यहाँ पर नजर आता होगा। तो मेनली देख सकते हैं यहाँ पे तीन केवाईसी यहाँ पर नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों आपको अपने पीएफ अकाउंट दो ही केवाईसी आपको अपडेट करना है, दो ही केवाईसी यहाँ पे मैंडेटरी होता है। जैसे कि पहला केवाईसी यहाँ पर नजर आता है बैंक और दूसरा यहाँ पर नजर आता होगा पैन। तो सिंपल से आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक और पैन ही आप अपडेट कीजिए, यही दोनों केवाईसी काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। जो यहाँ पे पासवर्ड केवाईसी यहाँ पर नजर आता होगा वो ऑप्शनल होता है। अगर आप अपना पीएफ अकाउंट पासवर्ड केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी या फिर पैन केवाईसी अपडेट करेंगे। तो पैन केवाईसी अपडेट करने के लिए सिंपल से आपको पैन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड पे आपका डिटेल होता है वही डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे कि सबसे पहला ही ऑप्शन देखिए लिखा आता होगा नेम एज पर पैन, तो जो भी दोस्तों आपका पैन कार्ड पे आपका नाम होता है वो नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अदरवाइज जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका नाम है वही नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फेस कर लेता है। उसके बाद जो भी आपके पास 10 डिजिट का पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, कंसर्न देना है, देन आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ जो भी आपके पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर जनरली एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है सबमिट,
तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे उसको सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद फाइनली आपका पीएफ पेन क्वेश्चन सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस आपका पेन क्वेश्चन किस प्रकार से करना होता है आपका पीएफ अकाउंट में, वो मैंने आपको बता दिया हूँ। चलिए बैंक क्वेश्चन किस प्रकार से करना होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए आपको दोबारा से केवाईसी वाले सेक्शन में आ जाना है। जब केवाईसी वाले सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा बैंक का, तो आपको बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक में आपका डिटेल होता है वो डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे तो सबसे पहला ही ऑप्शन देखिए नजर आता होगा नेम एज पर बैंक अकाउंट, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम होता है वो नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिक्स कर लेता है आपके पीएफ अकाउंट से, तो सेम एज वही नेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट को एड कर रहे हैं केवाईसी में, उसका जो अकाउंट नंबर होता है वो सबसे पहले यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद सेम है जो ऊपर में अकाउंट नंबर फिलअप कर रहे हैं वही बैंक अकाउंट नंबर नीचे भी आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप करने के बाद एक बार आपको सबसे पहले चेक करना होगा, कंफर्म करना होगा जो भी यहाँ पे आपने डिटेल फिलअप किया है क्या वो सही है या नहीं। उसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा आता होगा वेरीफाई आईएफएससी, तो आपको वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ पे देखिए आईएफएससी कोड यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपका बैंक का नाम होता है या फिर ब्रांच का नाम होता है वो ऑटोमेटिक फेस कर लेता है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बनाना आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, देन आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर जनरली एक ओटीपी भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आया है वो आपको नीचे फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली आपका केवाईसी सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर देता है केवाईसी वाले सेक्शन में, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी जो भी आपने केवाईसी सबमिट किया है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं उसके लिए आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बना आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, उसी के नीचे जो भी आपने केवाईसी सबमिट किया है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाता है। सबसे मेन पार्ट आता है स्टेटस, स्टेटस में देख सकते हैं अभी नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, तो जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक क्वेश्चन या फिर पेन क्वेश्चन अपडेट किए हैं वो फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया। तो जैसे ही आपका डीएससी सिस्टम से आपका कंपनी द्वारा आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपका क्वेश्चन अप्रूव कर दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल आपका पीएफ अकाउंट बैंक क्वेश्चन या फिर पेन क्वेश्चन सक्सेसफुल अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होकर के ऑनलाइन तरीका से ही आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक क्वेश्चन या फिर पेन क्वेश्चन किस प्रकार से अपडेट करेंगे, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब जो आपका आधार क्वेश्चन कहाँ से होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आधार क्वेश्चन का दोस्तों ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है, जैसे कि बैंक क्वेश्चन आपने अपडेट किया या फिर पेन क्वेश्चन अपडेट किया उस तरह का, तो यहाँ पे आधार क्वेश्चन अपडेट करने का कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। आधार क्वेश्चन जो भी आपका कंपनी जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है वही आपके पीएफ अकाउंट आधार क्वेश्चन अपडेट कर सकता है। पहले तो ऑनलाइन ही होता था लेकिन दोस्तों जितना भी ऑनलाइन प्रोसेस था वो बंद पड़ा हुआ है, आप ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ आधार क्वेश्चन अपडेट नहीं कर सकते हैं, केवल जो भी आपका कंपनी जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसी से आप करवा सकते हैं। चाहे अभी आप कंपनी में काम करते होंगे या तो फिर काम छोड़ भी दिए हैं तभी दोस्तों आपको अपनी कंपनी से ही आपको अपने पीएफ को आधार कार्ड से अपडेट कराना होगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार से डॉट कंफ्यूजन या फिर किसी भी प्रकार से परेशानी आता होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।